गणपति बाप्पा, हैप्पी दशहरा बाप्पा। ओ दादी का फ्लोर, अरे यार चाबी निकालने लगता है दादी के बिना। यार दादाजी हैप्पी दशहरा। लाइट खोलूं मैं? लाइट खुल गई। फैन खोलूं क्या? और तेरी फैन भी खुल गया। जय भगवान, जय दादा। यार मैं दादा के श्राद्ध वाले दिन आई थी, उसके बाद तो आई नहीं। गैलरी खोल लेते हैं, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा आएगी। गैलरी का नजारा। ओ वाह, अरे वाह, बम फूट रहे हैं बच्चे, बम फूट रहे हैं, वो देखो। अरे पड़ गई उसको बेचारे को। अरे अंकल भगा रहे हैं सबको। वैसे ये दादी की गैलरी है, हम लोग यहीं पे बैठा करते हैं, यहाँ से सारे नज़ारे देखते हैं हम आगे पीछे के। और इस गैलरी से ना हर फेस्टिवल बहुत अच्छा दिखता है। अरे हमारी दुकान पे क्या लगाया ये? अरे हाय धनुष गदा तलवार, हाय बचपन में बड़ा खेला है। जूम करके दिखाओ क्या तुम लोग? यार मैं इतनी मोटी हो गई हूँ क्या? मेरा फेस इतना हैवी लग रहा है, मोटी हो गई क्या मैं? अगर हो गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ शेरनी पहले से मोटी हो गई है। वैसे मेरे को दिख रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ। खैर आ यार, खाली खाली सा लग रहा है यहाँ पे सब कुछ। कोई होता है ना तो मजा आता है, बातें करो। मतलब फेस्टिवल भी अब पहले जैसे फेस्टिवल नहीं रहे, सब अपने अपने काम में बिजी है, अपने अपने घर में बिजी है। पहले हम लोग बड़ा इंजॉय करते थे, मतलब सुबह से ही लग जाते थे किसी भी फेस्टिवल में। अब वो फेस्टिवल में वो वाली बात नहीं रही है फेस्टिवल में। खैर कोई नहीं, अब तो टाइम मेरे पास भी नहीं है क्योंकि मैं भी ऑफिस वगैरह चले जाती हूँ। जिन लोगों के साथ पहले पूरा पूरा दिन निकलता था ना, अब उनसे एक एक महीने हो जाते हैं मुझे बात किए बिना। चलो कोई नहीं यार, वक्त के साथ सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि वक्त ना बहुत कुछ सिखाता है, परायों को अपना कर देता है और अपनों को पराया कर देता है। मेरे कुछ ऐसे अपने थे जिनके साथ मैंने अपनी लाइफ में हर मोमेंट शेयर किया, सुख दुख हर मोमेंट। और आज वो इतने पराये हो चुके हैं, सिर्फ कुछ मात्र थोड़े ही दिनों में वो इतने पराये हो चुके हैं कि हम एक दूसरे के सामने भी नहीं देखते। पता नहीं आगे जाके खैर, लेकिन कुछ समय में कुछ पराये इतने अपने हो चुके हैं कि के बिना ना अब रहा नहीं जाता। खैर आप लोग कुछ गलत मत समझना, कुछ पराए अपने। खैर मैं सिर्फ अंशु और सोनिया की बात कर रही हूँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रही, तो कुछ गलत मत समझना। अंशु और सोनिया मेरे लाइफ में कुछ टाइम पहले ही आई है, बट हमारी दोस्ती आज इस तरह मजबूत हो चुकी है कि हमने जो टाइम, हमने जो वक्त साथ में बिताया है ना, वो हमारे लिए बहुत ही यादगार है। और हम फिलहाल अभी थोड़ा सा, मतलब हमें मिलने में अभी एक एक हफ्ता हो जाता है, पहले जो हम हमेशा साथ थे अभी कुछ टाइम लग जाता है एक एक हफ्ता, बट फिर भी हम उस लम्हे को बहुत ही अच्छी तरीके से जीते हैं। तो लव यू अंशु, लव यू सोनी, मिस यू ऑलवेज, और बहुत जल्दी मिलेंगे। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे अब हर ब्लॉग में अंशु और सोनी तो होती ही है, और कोई होना हो, क्योंकि जब वो दोनों मेरे साथ होती है तो ऑटोमेटिकली मेरा मन बन जाता है ब्लॉग बनाने का। तो
नेक्स्ट ब्लॉग में भी शायद वो हो दोनों, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग मैंने सोचा है कि सोनी के बर्थडे पे बनाएंगे, तो सोनी का बर्थडे सून बहुत ज़्यादा आने ही वाला है, बस कल परसों ही समझ लीजिए, तो उसके बर्थडे पे जो ब्लॉग बनेगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल आज दशहरा है, फेस्टिवल है। मुझे ना दशहरा शुरू से बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे सबसे ना फेवरेट त्यौहार है दो, मतलब दो त्यौहार मेरे सबसे फेवरेट है, एक दशहरा एक दिवाली। क्योंकि दशहरा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि रावण बनता है, हम लोग इतने शौक से इतने चाव से जाते हैं रावण देखने के लिए, और मतलब वेट करते हैं वहाँ, खड़े रहते हैं, मतलब वेट करते हैं कि हाँ अब फूटेगा रावण, अब फूटेगा रावण, लेकिन दो दो घंटे तक वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, और खड़ा रहने के बाद जब वो रावण फूटता है, माय गॉड, बहुत खुशी होती है। और सेकंड फेस्टिवल इज दिवाली, बिकॉज दिवाली में बहुत सारे दिए जलते हैं, दिवाली में हर तरीके की खुशियाँ आती है। वैसे जो बहुत खुशी है कि 3 महीने में मेरे 400 सब्सक्राइबर हुए, तो ये एक तरीके से एक सपोर्ट ही है, और आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी आगे शेयर कीजिए, मुझे और सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग मुझे देख रहे हो और मेरी बातें सुन रहे हो। अच्छे या बुरे ये मत सोचिए, बस कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे, चाहे बुरे कमेंट कीजिए लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ आप लोगों ने मुझे देखा, ठीक है। एंड आज दशहरा है, मैं शाम को रावण देखने जाऊँगी, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी रावण कि मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, क्या खाया। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं जब भी ना रावण देखने जाती हूँ ना, मैं शकरकंदी ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है शकरकंदी, और रावण देखते देखते शकरकंदी खाना, वाह, मतलब फील करके देखिए, आगे देखिए। और आज मेरी आंखें कुछ अजीब नहीं लग रही, पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना आज काजल लगाया है। मैं ना कभी काजल नहीं लगाती, क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी है ना, तो काजल लगाने से आंखें और बड़ी हो जाती है, लेकिन मैंने आज लगाया है। खैर, मेरे को भी अच्छी नहीं लग रही है, तो अभी मैं काजल निकाल दूंगी। एनीवेज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी आएगा, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, सपोर्ट करें। Yeah.